नमस्कार, खम्बागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिक्षा मंत्री ने जयपुर में सांगनेर, चाकसू और शिवदासपुरा क्षेत्रों में किया स्कूलों का औचक निरीक्षण। राजकीय विद्यालय मालियों की बाड़ी इटावा में निःशुल्क स्वेटर वितरण। भारतीय किसान संघ प्रतिनिधिमंडल के ऊर्जा मंत्री से विद्युत भवन में मुलाकात। जंगम बाबा अयोध्या धाम के लिए हुए पैदल रवाना, संकल्प हुआ पूरा। 70 वर्षीय वृद्ध की हत्या का इटावा पुलिस ने 24 घंटे में खोला राज। पुत्र व जवाई ने मिलकर की हत्या, प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर दिया था हत्या को अंजाम। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर में सांगनेर, चाकसू और शिवदासपुरा क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री दिलावर ने विद्यालयों में अध्यापकों की मौके पर उपस्थिति की जांच की और स्कूल परिसर में स्वच्छता और शौचालयों की साफ सफाई के बारे में विशेष निर्देश प्रदान किए। शिक्षा मंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को विद्यालयों में लगे एक्सेस टीचर्स की सूचना भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जो स्वीकृत पदों के अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा कलेक्टर, एसडीएम या सीईओ कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षकों को कार्यमुक्त कराने के भी निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने सांगनेर में शहीद पुनीतनाथ दत्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक की रजिस्टर से उपस्थिति जांच की। वहीं विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं के शौचालय, पेयजल और साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए संस्था प्रधान को जेडीए और नगर निगम में से समन्वय करते हुए विद्यालय परिसर में स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शिवदासपुरा में मिड डे मील के तहत बच्चों के बीच बैठकर भोजन किया और वहां परोसी गई आलू छोले की सब्जी और चपाती की गुणवत्ता को परखा। वहीं कक्षा कक्षों में जाकर बच्चों से आत्मिक संवाद किया और उनसे जोड़ पहाड़े, पारिवारिक रिश्ते और सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चंदलाई और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल चंदलाई में बच्चों के नामांकन की न्यून संख्या होने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इन विद्यालयों के पुनर्गठन के संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय चंदलाई में शौचालयों में स्वच्छता की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए नियमित तौर पर साफ सफाई निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने यहां विद्यालय में विषय अध्यापकों और बच्चों से बोर्ड पर सौंदर्य, आशीर्वाद और ब्रह्मचारिणी जैसे शब्द लिखवाकर उनके शब्द और भाषा ज्ञान को परखा। वहीं बच्चों से संस्कृत के श्लोक और उनके अर्थ पूछकर उनके अध्ययन स्तर की जांच की। किसान सेवा केंद्र निमोड़िया में स्थित लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों से संवाद कर उनकी हौसला अफजाई भी की। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पहल पर उनके द्वारा इस भीषण ठंड के मौसम में सर्दी से बचाव हेतु स्वेटर वितरण कार्यक्रम राजकीय प्राथमिक विद्यालय मालियों की बाड़ी इटावा में भाजपा नेता पार्षद प्रतिनिधि जुगल किशोर प्रजापत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता महावीर सुमन, रामजी गुर्जर रहे। अतिथियों ने छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्वेटर वितरित। जुगल किशोर प्रजापत ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा स्वेटर वितरण इसलिए किया जा रहा है कि छात्र छात्राओं को शीतलहर से बचाव हो। कार्यक्रम में विद्यालय के स्टाफ, अध्यापिका संतोष कुमारी मीणा, दुर्गा शंकर सेन सहित साथी उपस्थित रहे। इस दौरान विद्यार्थी स्वेटर पाकर खुश हो गए। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। कहते हैं बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती और आज के युग में बेटों की अपेक्षा बेटियां ही माता पिता की जरूरत और सहयोग में काम आती है। साथ ही माता पिता के दुख दर्द में बेटियां ही हाथ बटाती है। ऐसा एक मामला इटावा नगर में देखने को मिला, जहां पर पंडित कतराम दास की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके पुत्र नहीं होने पर बेटियों ने ही पुत्र की सारी परंपराएं निभाई और आज के युग में किसी माता पिता को पुत्र की कमी ना खले ये सीख भी वो देती थी और बड़ी बेटी के द्वारा उन्हें मुखाग्नि दी गई थी। ऐसे में सामाजिक परंपरा के अनुसार पगड़ी दस्तूर की रस्म अदा करने की बात आई तो वहां भी बेटी ही आगे आई और पगड़ी दस्तूर की रस्म भी बेटी के द्वारा ही निभाई गई और बेटी प्रमिला को पगड़ी दस्तूर की रस्म के तहत पगड़ी पहनाई गई, जिसके बाद बैरवा समाज के द्वारा उठाए गए सामाजिक और समानता भरे कदम को लोगों के द्वारा काफी ज्यादा तारीफ मिली। साथ ही बेटियों को भी बेटों के समान दर्जा दिए जाने से समाज के लोग तो खुश हैं, साथ ही अन्य वर्गों में भी इस प्रकार की परंपरा लागू हो, ऐसी सोच लगभग क्षेत्र में सबकी हो और लिंग भेदभाव का नजरिया खत्म हो, ऐसी सोच समाज में नजर आ रही है और बेटा बेटी में आपसी सामान्य रखने का जो ये मामला हुआ है ये लोगों को सीख दे रहा है कि बेटा बेटी में समानता रखनी चाहिए, क्योंकि बेटा बुरा नहीं होता तो बेटी भी उसे लाख गुना अच्छी हो सके। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट।
भारतीय किसान संघ प्रतिनिधि मंडल की जयपुर स्थित विद्युत भवन में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के साथ मुलाकात हुई। इस दौरान ऊर्जा विकास निगम और प्रसारण निगम के अधिकारियों के साथ विद्युत संबंधी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा व तुलसाराम सिवर ने बताया कि आज बिजली भवन में ऊर्जा मंत्री से संगठन प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई, जिसमें ऊर्जा विकास निगम और प्रसारण निगम अधिकारियों के साथ वार्ता हुई, जिसमें किसानों कृषि सिंचाई हेतु मिलने वाली बिजली आपूर्ति में कटौती और गुणवत्ता में कमी तथा ओवरलोड और 4 व 5 ब्लॉक में चल रहे 132 केवी और 220 केवी विद्युत सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाने व नए स्वीकृत विद्युत सब स्टेशन का निर्माण करवाने को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही बकाया विद्युत बिलों पर एलपीएस खत्म करने, अगस्त महीने किसान आंदोलन में हुए समझौतों की पालना करने, सभी किसानों को 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली देने सहित 28 सूत्रीय मांगों पर चर्चा हुई। इस दौरान संगठन की मांगों पर ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों से रिपोर्ट बनाकर देने के निर्देश दिए तथा सभी मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन। प्रतिनिधिमंडल में भारतीय किसान संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष दलाराम चौधरी, प्रदेश मंत्री तुलसाराम सिवर, जगदीश कलमंडा, प्रदेश कोषाध्यक्ष शिवराजपुरी, जयपुर प्रांत अध्यक्ष कालूराम बागड़ा, चित्तौड़ प्रांत अध्यक्ष शंकरलाल नागर, जयपुर प्रांत महामंत्री सावलमल सोलेट मौजूद रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। राज्य सरकार के आदेश अनुसार सीएचसी इटावा पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर मदन लाल मीणा के निर्देशानुसार आयुष्मान भवन स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आए सभी मरीजों की बीपी, शुगर, कैंसर की जांच कर उपचार किया गया। स्वास्थ्य मेले में 704 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया तथा चिकित्सक डॉक्टर ललित राठौर, डॉक्टर पंकज जैन, डॉक्टर दिनेश मीणा, डॉक्टर प्रशांत मीणा, नर्सिंग ऑफिसर अशोक नागर, पवन शर्मा, लैब टेक्नीशियन शिवराज मीणा, कंप्यूटर ऑपरेटर मनीष मीणा द्वारा सेवा प्रदान की। आयुष्मान भव स्वास्थ्य मेले के तहत सीएचसी पर प्रत्येक बुधवार आयुष्मान मेले का आयोजन किया जाता। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा क्षेत्र का प्राचीन स्थान पूज्य संतों की तपोभूमि श्री चतुर्भुजनाथ भगवान मंदिर रामोहल्ला के परिसर में चल रही श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव के द्वितीय दिन व्यासपीठ चित्रकूट के संत श्री गोवर्धन दास जी महाराज ने शिव चरित्र का अति सुंदर वर्णन किया। कथा में पार्वती का जन्म, कामदेव दहन, शिव पार्वती विवाह का प्रसंग सुनाया। पंडित द्वारा वैदिक मंत्रों से श्री रामचरितमानस का आज के यजमान रामभरत मीणा नलावता द्वारा पूजन करवाकर रामकथा का शुभारंभ करवाया। व्यासपीठ संत श्री गोवर्धन दास जी महाराज ने आगे कथा में कहा कि दक्ष प्रजापति के महायज्ञ में भगवान शिव के अपमान से सीख मिलती है कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, इससे आयोजन का फल नहीं मिलेगा। बगैर आमंत्रण शिव के मना करने के बावजूद सती का पिता के घर जाने, पति का अपमान देख योगाग्नि में स्वयं को भस्म करने के प्रसंग पर श्रोता भाव विभोर हो गए। सती के अग्नि में भस्म होने के बाद तीनों लोगों को भगवान शिव का कोप भाजन बनना पड़ा। शिव व पार्वती के विवाह का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा विवाह भूतकाल व भविष्य में देखने को नहीं मिलेगा। इस दौरान विवाह उत्सव में जब भजन, आज भोलेनाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, शिव शंभु की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी बोला तो आनंद लेते हुए सभी श्रोताओं ने झूमकर नृत्य किया व अपनी हाजिरी लगाई। समिति के गिरिराज मीणा ने बताया कि कथा के अंत में सभी भक्तों के द्वारा आरती की गई व उपस्थित भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। कथा का आयोजन आचार्य संत श्री राम सेवक दास जी महाराज अयोध्या धाम वालों के सानिध्य में चल रहा है। आने वाले भक्तों को उनके दर्शन लाभ भी हो रहे हैं। कथा में आज बिनायका पंचायत क्षेत्र के कई गांव से श्रोताओं ने भाग लेकर कथा का आनंद लिया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। कोटा जिले के धुलेट कस्बे के निवासी जंगम बाबा के नाम से प्रसिद्ध गिरधारी लाल जी महाराज ने राम मंदिर का संकल्प पूरा होने पर 1 फरवरी को अयोध्या के लिए पैदल यात्रा शुरू की। जंगम बाबा पिछले 25 सालों से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने तक संकल्पित हैं। जंगम बाबा के अनुसार वे राम मंदिर पर भगवान श्री राम के दर्शन करने के बाद ही अपना संकल्प पूरा करेंगे और 25 सालों के बाद पैरों में खड़ाव धारण करेंगे। 25 साल के कठोर संकल्प को पूरा करने से पूर्व सरयू तट पर मुंडन करवाकर स्नान कर पद खड़ाव धारण करेंगे। इस दौरान जंगम बाबा चर्चा करते हुए भावुक हो गए, आंखों से अश्रु छलक पड़े। फिर कहा 500 साल के बाद
मेरे राम घर आए हैं, अब मेरा जीवन धन्य हो गया। संकल्प पूरा हुआ। इस दौरान जंगम बाबा का ईश्वर सैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मार्ग में पहुंचकर यात्रा की शुभकामनाएं देकर माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान बजरंग दल कनवास प्रखंड संयोजक नीरज कटारिया, बजरंग दल सुरक्षा प्रमुख कपिल राठौर, वार्ड पंच प्रहलाद मेहरा, मांगीलाल सैन, सुदामा गोचर, गिरिराज राठौर आदि ग्रामीण व पदाधिकारी उपस्थित। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा नगर में 70 साल की बुजुर्ग की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल और पूरा घटनाक्रम का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को निरुद्ध किया। इटावा एसएचओ नंदकिशोर वर्मा के अनुसार आरोपी धनराज गुर्जर व मुकेश गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। रिश्ते में दोनों जीजा साले हैं और मृतक नंदकिशोर का आरोपी मुकेश जमाई है तो धनराज उसका बड़ा पुत्र। दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी के विवाद के चलते शराब के नशे में उक्त वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही एक नाबालिग को भी उक्त मामले में निरुद्ध किया गया है। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। इटावा एसएचओ नंदकिशोर वर्मा के अनुसार कल मंगलवार सुबह इटावा के बाईपास ईदगाह के सामने 70 साल के बुजुर्ग नंदकिशोर गुर्जर की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। उक्त मामले में पुलिस ने घटना की गंभीरता से जांच की तो मृतक का बड़ा पुत्र धनराज और मृतक का जवाई मुकेश ही घटना में लिप्त पाए गए, जिन्हें टीमों का गठन कर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों ने वारदात करना कबूल किया है। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही एक नाबालिग को भी इस घटना में निरुद्ध किया गया है। इटावा एसएचओ नंदकिशोर वर्मा के साथ पुलिस की टीम में रामविलास, मनीष चौधरी, आसूचना अधिकारी व बनवारी वर्मा की अहम भूमिका रही, जिनकी वजह से घटना का खुलासा करने के साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सका। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। आंगनबाड़ी भवन का किराया बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इटावा उपखंड अधिकारी नीता वसीता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि इटावा परियोजना में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वे वर्तमान में किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं। उन भवनों का किराया मात्र 200 रूपये प्रतिमाह की दर से दिया जा रहा है, जबकि कार्यकर्ता 1500 से 2000 रूपये किराए का भुगतान कर रही है, जो विचारणीय है। इसलिए आंगनबाड़ी भवन का किराया अतिशीघ्र बढ़ाया जाए। ज्ञापन देने के दौरान इटावा क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं मौजूद रही। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शिक्षा मंत्री ने जयपुर में सांगनेर, चाकसूर, शिवदासपुरा क्षेत्रों में किया स्कूलों का औचक निरीक्षण। राजकीय विद्यालय मालियों की बाड़ी इटावा में निःशुल्क स्वेटर वितरण। भारतीय किसान संघ प्रतिनिधिमंडल के ऊर्जा मंत्री से विद्युत भवन में मुलाकात। जंगम बाबा अयोध्या धाम के लिए हुए पैदल रवाना, संकल्प हुआ पूरा। 70 वर्षीय वृद्ध की हत्या का इटावा पुलिस ने 24 घंटे में खोला राज। पुत्र व जवाई ने मिलकर की हत्या। प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर दिया था हत्या को अंजाम। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतने ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।